हेलो दोस्तों, नमस्कार। जस्ट ऑटो सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज तो मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारा बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट और सरल इंस्टीट्यूट। क्यों सरल इंस्टीट्यूट बोलता हूँ मैं? क्योंकि हम लोग सब काम सरल तरीके से सिखाते हैं। तो आज हम मैकेनिक की जो क्लास चल रही है उनके पास चलते हैं। तो आज उनकी क्लास में क्या चल रहा है, कौन सा टास्क दिया था, आइए मिलते हैं और पूछते हैं। हेलो जय सर, कैसे हो? कल सर ने टास्क दिया था तो आज गाड़ी? हाँ सर, कल सर ने हमें लाइव वीडियो पे गाड़ी का टास्क दिया था, गाड़ी चालू करने के लिए दिया हुआ था। राइट। हमने इसका कंप्लीट वायरिंग भी कर लिया है, वायरिंग की भी थोड़ी दिक्कत थी, वो भी सब सॉल्व हो गया है। तो इंजेक्टर फायरिंग नहीं हो रहा है सर इसका, हमने इसका इंजेक्टर निकाल के बाहर फायरिंग करवाया। इसका एक इंजेक्टर लॉक है, बराबर। छुट्टी होने के कारण हम इसका सर्विस नहीं कर पा रहे। ओके। तो ये कंप्लीट गाड़ी तो चालू हो गई है अभी, कंप्लीट मतलब कंप्लीट चालू हो गई, ये इंजेक्टर के वजह से अभी गाड़ी दिक्कत दे रही है। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपको जब एक टास्क दिया था तब कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? तो ऐसा तो लगा था हमें कि ये गाड़ी चालू नहीं हो पाएगी। हाँ राइट, क्यों ऐसा क्यों लग रहा था? कि पहली बात तो ये गाड़ी सेल्फ भी नहीं ले रही थी और क्रैंकिंग करने के टाइम इसके इंजन में आवाज आ रहा था। राइट। फिर अभी हम कॉन्फिडेंस से बता सकते कि गाड़ी चालू भी हो सकती है और इंजन भी ओके है गाड़ी का। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा? तो पहले तो आप ऐसा लग रहा था कि मेरे से स्टार्ट नहीं होगी, नहीं होगी। राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस तो कैसे बढ़ा? आ गया कि कोई भी डीजल गाड़ी हो हम चालू कर लेंगे। चालू कर लेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, मैं थोड़ा वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज देखने वाले व्यूअर्स भी को समझना आना चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे आपका बढ़ा। तो हो सकता है कि तो मुझे बहुत दिक्कत आई है गाड़ी चालू करने के लिए। राइट। लेकिन मैं सर से जब भी पूछा कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, तो सर ने मुझे बोला इस रास्ते पे चलना है तो गाड़ी चालू हो जाएगी। तब जाके मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ भाई ये गाड़ी चालू हो सकती है। तो एक टॉपिक लेके आप मुझे समझा सकते हो कि कौन से टॉपिक में आप अटके थे और वो टॉपिक का कैसे सॉल्यूशन आया? सर मैं इसके सिक्योरिटी लाइट में अटक गया था, सिक्योरिटी लाइट ही नहीं आ रही थी क्लस्टर मीटर में। तो मैं सोचा कि अभी ये तो नहीं लाइट आ पाएगी, लेकिन जब भी मैं सर का हेल्प लिया तभी सर ने बताया कि ये वायर यहाँ से कंटिन्यूटी जाती है, इसको ज्वाइंट कर लेना तो आ जाएगी। तो सर के हेल्प से वो लाइट आ गई, तो उसके बाद में हमें थोड़ी हिम्मत आ गई कि अभी गाड़ी चालू हो सकती है। बराबर। हमने उसको ट्राई किया लेकिन हम सक्सेस हो गए, ये गाड़ी तो चालू हो गई है। लेकिन इंजेक्टर लॉक होने की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मतलब 100% तो गाड़ी अभी चालू हो गई है कंप्लीट। ये इंजेक्टर का काम करवाएंगे तो गाड़ी ओके। ठीक है, आप मुझे इंजेक्टर का काम करने के बाद एक बार गाड़ी चालू दिखाएंगे हम लोग वीडियो में। हाँ सर। पर आज मुझे आपने जो काम किया है इंजेक्टर, कुछ एक लॉक है ना कि हाँ, दो लॉक है? एक लॉक है सर। एक लॉक है, दो फ्री है? दो चालू है। दो चालू है, तो दो चालू है, मुझे दिखा सकते हैं आप? हाँ सर दिखा सकते हैं। ओके। देखिए अभी हम इसका इंजेक्टर फायरिंग करवा रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सा इंजेक्टर काम कर रहा है और कौन सा इंजेक्टर नहीं काम कर रहा है। ये रहा, ये फर्स्ट वाला काम कर रहा है, ये बंद है, ये थर्ड वाला भी फायरिंग कर रहा है। तो मैं जैसे आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मैकेनिक को इतने सारे क्वेश्चन किए, क्यों किए? क्योंकि वो गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं स्टार्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और आज उनके इंजेक्टर फायर होने से उनके पर कितनी स्माइल आई है उनके चेहरे पर, आप देखिए। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस जस्ट ऑटो में मिलता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मैकेनिक ट्रेनिंग के साथ जुड़ना चाहते हो तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना सीट बुक करवाइए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।